नमस्ते गाइस, राजेश शेफ नमस्ते टेक। तो शाओमी ने जो है वो स्टार्ट कर दिया है रोल आउट करना MIUI 10 अपडेट Redmi Note 5 Pro के लिए। ये एक स्टेबल अपडेट है, इसका मतलब है कि अगर आप शाओमी के स्टेबल चैनल पे, यानी कि अगर आपका फ़ोन अभी MIUI 9.6 अपडेट रन कर रहा है, तो आपको जल्द ही अपने फ़ोन में MIUI 10 का अपडेट मिलेगा। MIUI 10 में बहुत सारे नए फीचर्स हैं और ये एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट भी लाता है। पर शाओमी ने जो है इस अपडेट को एक फेज स्टेज में रोल आउट करना स्टार्ट किया है। इसका मतलब है कि ये अपडेट आपके Redmi Note 5 Pro में हो सकता है नहीं दिखाए कि अवेलेबल है, पर एक दो हफ्ते बाद आपके फ़ोन में आ जाएगा। पर अगर आप में पेशेंस होती तो आप इस वीडियो को नहीं देखते। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Redmi Note 5 Pro में अभी MIUI 10 का जो स्टेबल अपडेट है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डाउनलोड लिंक से रोम फाइल को डाउनलोड करें। काफ़ी बड़ी फाइल है 1.6 GB की, तो मेक श्योर करें कि आपके पास एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन का एक्सेस हो और तभी डाउनलोड को चालू करिए। आप फाइल को या तो अपने कंप्यूटर में भी डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आपको उस फाइल को फ़ोन में ट्रांसफ़र करना होगा, या आप डायरेक्टली चाहें तो अपने Redmi Note 5 Pro में ही डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में अबाउट फ़ोन सिस्टम अपडेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे Redmi Note 5 Pro में कोई MIUI 10 का अपडेट नहीं दिखा रहा है और मेरा फ़ोन जो है वो अभी MIUI 9.6.4 की जो स्टेबल रिलीज़ है उस पर चल रहा है। टेंशन की कोई बात नहीं है। तो अब जो है टॉप राइट में जो आप 3-डॉट मेन्यू बटन देख रहे हैं उसे दबाइए और चूज़ अपडेट पैकेज का ऑप्शन सेलेक्ट करिए। फिर फाइल मैनेजर सेलेक्ट करिए अगर आपको ऐसा कोई प्रॉम्प्ट आता है तो, और फिर स्क्रॉल करिए और जो MIUI 10 की इंस्टॉलेशन जिप फाइल है उसे सेलेक्ट करिए। उसके बाद नीचे ओके दबा दीजिए। अब जो है आपका Redmi Note 5 Pro इस फाइल को डिक्रिप्ट करेगा और उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस में 5 मिनट लग सकते हैं और एक थोड़ी इंटेंसिव है, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप मेक श्योर करिए कि आपकी Redmi Note 5 Pro में कम से कम 50% से ज़्यादा बैटरी लाइफ हो। अब आप देख सकते हैं कि मेरे Redmi Note 5 Pro में फाइल डिक्रिप्ट करने के बाद एक ऑप्शन आया है अपडेट इंस्टॉल करने का। इस स्टेप को कंफर्म करने के लिए नीचे जो रिबूट एंड अपडेट ऑप्शन है उसे दबाएं। अपडेट इंस्टॉल होने के बाद आपका Redmi Note 5 Pro ऑटोमेटिकली MIUI 10 में बूट करेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो है अपने Redmi Note 5 Pro में MIUI 10 का अपडेट इंस्टॉल कर लिया है। अब देख सकते हैं सेटिंग्स में जो कंट्रोल पैनल है उसकी लुक थोड़ी चेंज हो गई है और एक नया सिस्टम एनिमेशन भी आ गया है इसमें। अबाउट फ़ोन में भी आप देख सकते हैं कि मेरा जो MIUI वर्जन है वो अभी MIUI 10 ग्लोबल स्टेबल दिखा रहा है। MIUI 10 में बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं दोस्तों, और मैं आपको आगे और वीडियोज़ बना के जो भी नए फीचर्स हैं उनके बारे में बताऊँगा। तो उसके लिए हमारे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।